मामा ये देखो। वाओ 49 आउट ऑफ 50। आई एम प्राउड ऑफ यू। मामा मैं फर्स्ट आई हूँ क्लास में। अरे वाह, इधर आ। तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। चल मैं तेरे एग्जाम शीट को फ्रिज पे लगा देती हूँ। तुम इतने कपड़े चेंज करके आओ, ठीक है? ओके। रिदम, तुम चुपके अंदर कहाँ जा रही हो? अरे नहीं मम्मी, मैं ना बहुत थक गई थी इसलिए सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। अगर रात भर फोन में लगी रहेगी तो ऐसे ही होगा, थकान ही लगेगी। सारा टाइम ऐसे ही बर्बाद करती रहती है, पढ़ने लिखने का तो कोई काम है नहीं। अरे मम्मी मैं ना ड्राइंग कर रही थी, एक दिन मैं पक्का एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनूंगी। रुको, तुम्हारा मैथ्स का पेपर मिलने वाला था ना आज, दिखाओ कितने मार्क्स आए हैं। हाँ मम्मी। फेल, 5 out of 50। बड़ी मेहनत लगी होगी ये 5 नंबर लाने में भी। पर मम्मी मेरे को मैथ समझ ही नहीं आता। जब तेरे को तो कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, फोन दे इधर अपना। अपनी बहन की तरह अच्छे मार्क्स लाएगी, आके फोन ले लियो वरना भूल जा। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, आप मुझे बताओ आप क्या खाओगे आज, आपका फेवरेट फूड बनाऊंगी मैं। मम्मा बाजरे। ये अच्छा आइडिया है। और रिदम तुम घर में रह के पढ़ाई करोगी, मैं और वेरोनिका डिनर करके आते हैं। अच्छा तू है। वाह कितनी अच्छी ड्राइंग है। हाँ यार क्लास में सब यही बोलते हैं, लेकिन क्या फायदा, मम्मा तो हर वक्त डांटती रहती है ना। अच्छा टेंशन मत लो, जब मम्मा एक दिन आपको टीवी पे देखेगी ना तब मम्मा को खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं आपकी फेवरेट चॉकलेट लाई हूँ। वाह यार तू तो बेस्ट है। क्या शो मचा रखा है, फिर से ड्राइंग में लग गई, पढ़ाई हो गई तेरी? ये लैपटॉप मुझे दे, यही सारे कलेश की जड़ है। मामा प्लीज, मैं ये सारी ड्राइंग्स यूट्यूब से ही तो सीखती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। पहले पास होके दिखाओ फिर लैपटॉप लेना, समझे? पढ़ाई करो पढ़ाई। मैडम रिदम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, एग्जाम में फेल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्लास में सबसे लास्ट आती है, कुछ करते क्यों नहीं आप? जी सर मैं भी इसको बहुत समझाती हूँ लेकिन क्या करूँ, जब देखो ये फोन या लैपटॉप में ही घुसी रहती है। हमारे स्कूल में पहली बार ऐसा होगा कि कोई बच्चा फेल हो गया है। मैं आपकी बात समझती हूँ सर, थैंक यू, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा टीचर्स को बोलिए इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे ताकि थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सके इसकी पढ़ाई में। बाकी जो मुझसे होगा वो मैं भी करूँगी। वेरोनिका क्लास में टॉपर है इसलिए हम रिदम को एक और चांस देंगे, अगर वो इस बार पास नहीं होती है तो हम उसका स्कूल से नाम कटवा देंगे। देखा तुम्हारा प्रिंसिपल क्या बोल रहे थे? मम्मी हमारी आर्ट की टीचर। रिदम हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड। मैडम ये आपकी बेटी है तो आपको तो इसके ऊपर बहुत प्राउड फील होना चाहिए, ये इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाती है कि पूरे स्कूल में कोई मुकाबला ही नहीं है, और इस बार हम इसकी पेंटिंग को स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन के लिए भेज रहे हैं एंड आई एम श्योर यू विल गेट द फर्स्ट प्राइज। लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट्स में तो फेल हो रही है ना, मुझे नहीं चाहिए ये ड्राइंग में इतना ध्यान दे कि बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाए, इसको बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। मैडम आप कैसी बातें कर रहे हैं, हर बच्चे का अपना टैलेंट होता है, आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक मछली को बोलो कि तू पेड़ पे चढ़ जा, क्या वो चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो उसकी कैपेसिटी के बाहर है, तो हमें उससे वो एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। इसी तरह हर बच्चे का अपना टैलेंट होता है, अब जैसे ये पेंटिंग में अच्छी है ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में अच्छी है, तो ठीक है पढ़ाई में एवरेज होगी तो भी चलेगा, लेकिन पेंटिंग के लिए आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। यार मुझे स्टेट लेवल ड्राइंग कंपटीशन के लिए अपनी ड्राइंग सबमिट करनी थी लेकिन मेरा फोन और लैपटॉप दोनों मम्मा ने ही ले लिया है, अब मैं कैसे सबमिट करूं? रुको जरा मैं आई। आप मेरा लैपटॉप लो, ये लो, अब आप इससे अपलोड करो। थैंक यू। मम्मी ये देखो। वाओ 50 out of 50। तू तो मेरी बेस्ट बेटी है, चल इसको भी फ्रिज पे लगा कर आती हूँ। रिदम अब तुम अपना पेपर दिखाओ। मम्मी इस बार मेरे को मिला 15। 15 लेकिन फेल तो फिर भी हो, अपनी बहन को देखो 50 out of 50, कुछ तो शर्म करो। मम्मा लास्ट टाइम से तो बेटर है ना, मैं ट्राई कर रही हूँ। पर ये कोशिश कम पड़ गई ना, ऐसी कोशिश नहीं चलेगी, पास होकर दिखाओ। अच्छा तुम्हारा टीवी देखना भी बंद। भगवान
कहाँ रे तू। आपके कंपटीशन का क्या हुआ? मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है, मैं कैसे चेक करूं? अच्छा रुको मैं आई। आप मेरा लैपटॉप यूज करो। ओके थैंक यू। देखो देखो फटाफट। हेलो हेलो मैडम, हम रिदम के प्रिंसिपल बोल रहे हैं स्कूल से। रिदम तो फर्स्ट आ गई है ड्राइंग कंपटीशन में, इसने पूरे स्कूल का नाम बड़ा कर दिया है, उसको हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस बोलना। जरूर जरूर, थैंक यू सर, थैंक यू। रिदम मेरी बच्ची, तुम दोनों मेरी प्यारी बच्चियां हो, आई लव यू बोथ। तो समझे आप, हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग होती है, उन्हें कभी कंपेयर मत करो।